आज के इस वीडियो में हम कोर के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज अ कोर? सीपीयू में जो कोर होती है ना, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। अभी आपने देखा होगा चैनल पे मैंने सीपीयू के रिगार्डिंग कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उन्हीं में से किसी वीडियो पर एक सवाल आया था कि सर क्या सारी की सारी कोर बराबर होती है, मतलब एक जैसी होती है, जो i3 में कोर होती है, i5 में कोर होती है, i7 में कोर होती है, ऐसे ही Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 में जो एक इंडिविजुअल कोर है वो इक्वल होती है सब में, मतलब इनमें ये डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि इसमें 4 कोर है, इसमें 6 कोर है, इसमें 8 कोर है, यही डिफरेंस होता है कि कोर में भी इंडिविजुअली डिफरेंस होता है। और एक ऐसा ही सवाल हमारे किसी एक और यूज़र ने पूछा था कि वो मार्केट में कहीं गए थे और उनको किसी ने बोला कि i3 में जो कोर होती है वो वीक कोर होती है, i5 में जो कोर होती है वो पावरफुल कोर होती है। तो मेरे भाई, इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, जो सारी की सारी कोर है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर ये सब बहुत ना इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, बहुत सारे जो मोबाइल ओनर्स हैं, मोबाइल की कंपनियां हैं, वो लोग ऐसे आज मोबाइल को बेच रहे हैं कि 8 कोर वाला, 10 कोर वाला सीपीयू, लेकिन वो कोर छोटी छोटी कोर होती है, ठीक है, इंडिविजुअल कोर है ना। एक हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वे में समझा देता हूँ आपको, कोर मतलब प्रोसेसर का एक हाथ, ठीक है। मैंने शायद वो जो डोंट बाय रॉन्ग सीपीयू उसमें भी ये मेंशन किया था इस एग्जांपल का। तो कोर है वो एक प्रोसेसर के हाथ की तरह है, जितने हाथ ज़्यादा होंगे वो प्रोसेसर उस वक्त पे उतने ही ज़्यादा काम कर पाएगा एक ही टाइम पे, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। पहले के टाइम में सिंगल कोर वाले सीपीयूज आते थे, उस वक्त की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो भी ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं थी, उस वक्त का जो वर्क सिनारियो था वो भी ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी ज़रूरत बढ़ने लगी, हमें एक साथ मल्टीटास्किंग करना है। अब मल्टीटास्किंग में भी ना अलग अलग सिचुएशन होती है, जैसे 4-5 काम एक साथ कर रहे हो आप तो उसे मल्टीटास्किंग कहा जाएगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है कि 4-5 आप छोटे छोटे काम कर रहे हो और 4-5 काम आप कर रहे हो, या 2-3 ही कर रहे हो लेकिन बड़े बड़े काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो प्रोसेसर में जैसे कि इसमें 4 कोर है, दूसरे में भी 4 कोर है, ज़रूरी नहीं है कि वो चारों की चारों सेम होगी या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। वो एक प्रोसेसर के हाथ की तरह है जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। हाथ जो है हमारा, किसी का हाथ पावरफुल होता है, सबके हाथ बराबर नहीं होते ना। तो कोई मस्कुलर आदमी है, बॉडी बिल्डर जैसा, तो उसका हाथ बड़ा होगा। आप किसी बच्चे का हाथ देखें तो छोटा होगा, कहने के लिए तो हाथ ही है, लेकिन कोई ऐसा काम है जैसे कि उन दोनों के बीच में ही पंजा लड़वाया जाए, मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी प्रैक्टिकली होगा नहीं, लेकिन पंजा लड़वाया जाए तो जाहिर सी बात है वो ताकतवर आदमी है, जिसका हाथ बड़ा है, जाइगेंटिक है, मस्कुलर है, वो उसे हरा देगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है, छोटे छोटे ही सही लेकिन ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो जो बच्चों के हाथ हैं वो काम, छोटा छोटा ही काम है वो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो आदमी, उसका एक ही हाथ है, भले ही वो बहुत पावरफुल है, लेकिन ज़रूरत ही ऐसी है कि हमें छोटे छोटे हाथों की ज़रूरत है, ऐसा काम करना है, तो वहाँ पे वो अकेला हाथ है वो एक ही काम कर पाएगा, भले वो बहुत पावरफुल है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। कोर की जहाँ तक बात है ना, जैसे मैंने कहा, कोर एक प्रोसेसर के हाथ की तरह है, जितने ज़्यादा हाथ होंगे वो उतना ही एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग कर पाएगा। तो ये बात सच नहीं है कि सारी की सारी कोर इक्वल होती है, मतलब जो i3 में कोर होती है, i5 में कोर होती है, वो सारी की सारी एक बराबर होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनमें बहुत डिफरेंस होता है और इसीलिए उन्हें अलग अलग डिजाइन किया जाता है। मतलब जो प्रोसेसर है ये i3, i5, i7 या Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, उनमें सिर्फ ये कोर काउंट ही अलग अलग नहीं होता, उनमें डिफरेंस होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वो कोर इंडिविजुअली छोटी होती है, बड़ी होती है, पावरफुल होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो 4 अलग अलग सिनारियो है, एक होती है छोटी कोर, एक होती है बड़ी कोर, इंडिविजुअली वो इंडिविजुअल कोर है वो छोटी कोर है, मतलब स्मॉल कोर है, एक है पावरफुल कोर है, एक है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फास्टर कोर है, और एक है कि बहुत सारी कोर है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग सिनारियो है और इसीलिए कंपनी को इतने सारे सीपीयू डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अगर एक ही सिचुएशन होती, ऐसा होता नहीं है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे अलग अलग लोग होते हैं और सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग, क्यों मैं कहा था कि एक रेंज ऑफ सीपीयूज प्रोड्यूस करती है, तो अलग अलग सीपीयूज होते हैं अलग अलग वर्क सिनारियो को देख के, अलग अलग वर्क फ्लो को देख के। तो कोई यूज़र ऐसा होता है जिसको छोटी छोटी कोर की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा कोर चाहिए, कोई यूज़र ऐसा है जिसको पावरफुल कोर चाहिए लेकिन कम कोर चाहिए, ठीक है। कोई यूज़र ऐसा है जिसको एक ही कोर चाहिए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। बहुत अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। ये टर्बो कोर ये सब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जैसे मैंने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिंगल थ्रेडेड होते हैं, सिंगल कोर पे ही वर्क करते हैं, तो वहाँ पे बाकी पीछे कितनी सारी कोर हो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो फिर उसी एक पर्टिकुलर कोर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है और उसको फास्ट कोर बना दिया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल कोर, बिग कोर, फास्ट कोर और मोर कोर, बहुत सारी कोर की ज़रूरत होती है। तो मल्टीटास्किंग की जहाँ तक बात करें, मल्टीटास्किंग में बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4-5 काम एक साथ कर रहे हैं तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है, सच भी है, लेकिन हर एक मल्टीटास्किंग एक जैसा नहीं होता। जैसे कोई एक यूज़र है जो कि 3-4 काम कर रहा है, अब
साइड में गाने चल रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में वो इंटरनेट पे सर्व कर, फॉरग्राउंड में इंटरनेट पे सर्व कर रहा है, पीछे कोई छोटी ऐसी दूसरी कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसी तीन चार छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, तो कहने के लिए टेक्निकली तो वो भी मल्टीटास्किंग है। तो वहाँ पे अब ऐसे कोई जाइगेंटिक सीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें इंडिविजुअल कोर पावरफुल हो और ऐसे बहुत सारे कोर हो, वहाँ पे एक छोटा प्रोसेसर भी होगा जैसे मोबाइल सीपीयूज होते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है उसका काम। लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है, वहाँ पे भी तीन चार काम पाँच काम हो रहे हैं एक साथ, लेकिन बैकग्राउंड में रेंडरिंग हो रही है, फॉरग्राउंड में गेम प्ले हो रही है, फिर वो स्ट्रीमिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है, ऐसा हैवी हैवी काम हो रहे हैं एक साथ तीन चार, तो उसे भी हम मल्टीटास्किंग कहेंगे। लेकिन वो हर एक इंडिविजुअल काम पावरफुल काम है और उसके लिए जो कोर चाहिए होगी वो भी पावरफुल चाहिए होगी। तो ऐसा नहीं होता कि सारे की सारी कोर इक्वल होती है, इसमें तीन कोर है, इसमें भी मतलब इसमें चार कोर है, दूसरे में भी चार कोर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के दोनों इक्वल है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नंबर ऑफ कोर को देख के आप ये जज नहीं कर सकते, कोर काउंट को देख के, तो कोर काउंट भी मैटर करता है। हम ये जनरल वे में कहते हैं कि जितनी ज़्यादा कोर होगी उतनी अच्छी बात है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, एक जनरल वे में कहा जाता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि रेंडरिंग, तो रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा कोर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गेम प्ले की अगर हम बात करें, गेम खेलने की, तो क्यों आज भी इंटेल है वो गेमिंग में आगे है, मतलब ये नहीं कह रहा कि राइजन है वो पीछे है, लेकिन इंटेल की जो सिंगल कोर है ना वो उसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू राइजन ज़्यादा है आज भी। उसका रीज़न यही है कि वो एक पावरफुल कोर है, तो ऐसी चार कोर वाला सीपीयू भी होगा तो भी आराम से आप अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। और अगर हम इन मोबाइल सीपीयूज़ की बात करें तो उसमें भले ही आठ कोर है लेकिन छोटी छोटी कोर है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चार अलग अलग सिचुएशन इसलिए मैंने आपको बताई कि एक छोटी कोर, बड़ी कोर, फास्ट कोर और बहुत ज़्यादा कोर, बहुत सारे यूज़र होते हैं इस दुनिया में, सबकी सिचुएशन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और इसी को देखते हुए पूरे मार्केट को देखते हुए हर एक यूज़र की कैटेगरी को देखते हुए कंपनी को अलग अलग तरीके के सीपीयू डिज़ाइन करने पड़ते हैं, वरना तो एक ही सीपीयू नहीं बना देते, ये सीपीयू ले लो सबसे बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जिन भाई ने भी पूछा था कि मार्केट में गया था और उसने ऐसा बोला, तो हाँ भाई सच है। अब ये चीज़ हर जगह भी सच नहीं है कि जो छोटा सीपीयू होगा उसकी कोर छोटी होगी और बड़ा सीपीयू होगा उसकी कोर बड़ी होगी, ये भी सच बात नहीं है, ठीक है, मतलब ये जनरलाइज करके हम नहीं बोल सकते। तो प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये डिफर करता है, जनरेशन टू जनरेशन ये डिफर करता है, एज वेल एज कंपनी टू कंपनी वो डिफर करता है कि वो लोग किस तरीके से प्रोसेसर बना रहे हैं और जो उनके अलग अलग कैटेगरी के प्रोसेसर हैं उनमें वो किस तरीके से डिफरेंस रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा ना कि यहां पे मैं कुछ भी जनरलाइज करके नहीं बोल सकता। आप जो सीपीयू परचेज करने वाले हो ना उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़िए, उसके रिव्यूज देखिए, आप जो काम करने वाले हो उस हिसाब से उसके रिव्यूज देखिए, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि ये सीपीयू मेरे लिए सही होगा कि नहीं। सिर्फ कोर काउंट को देख के लेने जाओगे, फ्रीक्वेंसी को देख के लेने जाओगे तो गलती करोगे ही, और यही मुझे आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोर मतलब प्रोसेसर का हाथ, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ही ज्यादा वो काम कर पाएगा, लेकिन सारे के सारे हाथ बराबर नहीं होते, कोई हाथ छोटा होता है कोई हाथ बड़ा होता है। तो ये आपको देखना है कि आपके आपको बड़े बड़े हाथों की जरूरत है, छोटे छोटे हाथों की जरूरत है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।